लेते जाइए। सत्र के बारे में बताएं, क्या हुक्म है? तालाब में इकट्ठे नहाना हाफ लेकर पहनकर क्या जायज है? और दूसरी बात, टीवी पर जो कुश्तियां दिखाई जाती हैं वो भी हाफ लेकर, उसके बारे में बताएं। अगर सूदी खाता बैंक में खत्म करा दिया जाए तो क्या रकम लेकर किसी दूसरे को बतौर मदद दे सकते हैं या बैंक ही में रहने दें? सियासत का मकसद क्या है? कौन सी सियासत, जिसका आप जिक्र कर चुके हैं? भाई, ये एक एक आदमी इतना लंबा पर्चा सवालात लिखेगा तो फिर 3 घंटे चाहिए एक पर्चे को हल करने के लिए। कुरान की आयत वसीले के बारे में, ये आयत का मफहूम क्या है? देखिए, इनमें से जिन बातों का मैं जवाब दे सकता हूं इस वक्त, ये है कि सत्र का हुक्म वाकई हम में से हर शख्स को मालूम होना चाहिए। पहले ये कि सत्र कहते किसे? सत्र ये है कि जिस्म के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो शरीयत की रूह से हर हाल में ढके रहने चाहिए, सिवाय शौहर के लिए बीवी, बीवी के लिए शौहर। ये तो चूंकि कुरान ने कहा हुन्ना लिबासुल्लकुम वअंतुम लिबासुल्लहुन्ना, उनके लिए तो कोई सत्र नहीं है। लेकिन दूसरी रियायत क्या होगी कि कोई सर्जन हो, कोई डॉक्टर हो, उसने मुआयना करना हो, कोई जरूरत है, लेडी सर्जन नहीं मिल रही है तो मर्द सर्जन से भी सर्जरी कराई जा सकती है जान बचाने के लिए। लेकिन इन दो के अलावा कोई शक्ल नहीं कि जिस्म का वो हिस्सा खुले। मर्द का क्या है? नाफ के ऊपर से लेकर घुटने के नीचे तक नाफ भी नजर नहीं आनी चाहिए। बहुत से लोग बिल्कुल नहीं जानते, एहराम बांधा होता है नाफ ऊपर निकली होती है, इसलिए कि पता ही नहीं। नाफ जो है ये सतर में शामिल है, इसके ऊपर होना चाहिए, कमर बंद हो या तहबंद हो, जो भी हो, इसके नीचे नहीं। और घुटना जो है उसके नीचे तक, घुटना भी सत्र में। अब निकर वगैरह जो है इसमें यह सत्र नहीं होता, ये नाजायज लिबास है, इस्लाम की रूह से हराम लिबास है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। यह है मर्द का मामला। औरत का मामला क्या? पूरा जिस्म सत्र है सिवाय चेहरे की टिकिया, हाथ ये पहुंचों से बाहर और पांव टखने से नीचे। ये मेरी बहनें भी यहां मौजूद हैं, वो भी तवज्जो से सुने। ये औरत का जिस्म सत्र है। बाल सत्र में शामिल है, ये ढके रहने चाहिए। यही वजह है कि अरब ममालिक में वो रुमाल का रिवाज है, हमारे यहां दुपट्टे का रिवाज है। बाकी ये है कि शौहर के सामने खुल सकता है, डॉक्टर के सामने खुल सकता है इसके अलावा, लेकिन बाकी किसी के सामने भी, बाप के सामने, भाई के सामने, बेटे के सामने, किसी औरत के सामने जिस्म नहीं खुल सकता सिवाय 3 हिस्सों के। चेहरे की टिकिया, पूरा सर नहीं, हाथ कलाइयों तक और पांव टखनों तक। यह है किन के लिए? यह भी महरम जो है, अब उनके लिए औरत चेहरा खुला रखकर भी सामने आ जाएगी, ना महरम से चेहरा भी छुपाना है, यह हिजाब कहलाता है, यह सतर नहीं है, यह हिजाब है। सतर हिजाब का हुक्म जो है वो सूरह अहजाब में है। वो कौन है महरम जिनके सामने औरत आ सकती है चेहरा खोलकर? उसकी फेरिस्त सूरह नूर में मौजूद है। अपने बाप, शौहर के बाप, अपने बेटे, शौहर के बेटे यानी सोतीले बेटे, अपने भतीजे, शौहर के भतीजे नहीं, शौहर का भतीजा ना महरम है, अपने भांजे औरत के, शौहर का भांजा नहीं, शौहर का भांजा ना महरम है। इसलिए कि आज शौहर का इंतकाल हो जाए, उस औरत का निकाह हो सकता है उसके भतीजे के साथ, उसके भांजे के साथ। हां, अपने भतीजे के साथ कभी भी नहीं हो सकता, नामुमकिन। जो मुहर्रमात अबदिया है वही महरम है, जिनसे शादी किसी सूरत में नहीं हो सकती, समझे आप, अपने बाप से नहीं हो सकती, अपने बेटे से नहीं हो सकती, सोतेले बाप से नहीं हो सकती, सोतेले बेटे से नहीं हो सकती, दादा से नहीं हो सकती, पोते से नहीं हो सकती। ये आप गिनते जाइए, जो मुहर्रमात अबदिया हैं वही महरम है। उनके सामने औरत चेहरा भी खुला रखकर आ सकती है, बाकी के सामने आएगी चेहरा छुपाएगी। ये है इस्लाम के अहकाम, अल्लाह ताला हमें इन पर